जय श्री राम। धन संपत्ति बल वैभव चाहे जितना भी हो जाए उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। मद में चूर होकर अत्याचार और अधर्म नहीं करना चाहिए। समय या काल बहुत बलवान होता है, इसलिए जीवन का प्रत्येक क्षण अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, क्योंकि समय कब क्या दिखा दे कुछ नहीं पता लगता। बाली जिसकी एक टक्कर से पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ धूल में मिल जाते थे, आज वही स्वयं धूल में पड़ा हुआ है। क्यों? अभिमान और अधर्म के कारण उसको ये कष्ट झेलने पड़े और इस तरह से नष्ट होना पड़ा। जो बाली पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता था पल भर में, आज वही बाली चेतनाहीन होकर चिता पर पड़ा हुआ है। बाली का वध हो गया और सुग्रीव ने इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराना आरंभ कर दिया। अब वो कहते हैं वो राजा नहीं बनना चाहते, वो तपस्या करके अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। श्री राम ने कहा कि मित्र, ये प्रायश्चित की भावना इस बात की निशानी है कि तुम्हारा हृदय एक सज्जन पुरुष का हृदय है। श्री राम ने सुग्रीव को बहुत समझाया पर सुग्रीव नहीं माने। वो कहते हैं कि जिसे सन्यासी बनने की इच्छा है आप उसे सत्ता संभालने के लिए क्यों कह रहे हैं? इस पर श्री राम ने जो कहा आप उसे ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। श्री राम ने कहा, सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है? जिसे सिंहासन और सत्ता का लोभ ना हो वही सच्चा न्याय कर सकता है। जिसे निजी विलास और काम में आसक्ति नहीं होगी वही एक तपस्वी की भांति दिन रात जनसेवा के कार्य में संलग्न रहेगा। सन्यासी की भांति जिसका ना कोई अपना होगा ना ही पराया होगा वही मोह ममता को त्याग कर ईश्वर की भांति प्रजा से एक जैसा बर्ताव करेगा। इसीलिए राजा को ईश्वर ही माना गया है। सौभाग्य से ऐसा ही एक आदर्श राजा हमारे देश को भी प्राप्त हुआ है, श्री नरेंद्र मोदी के रूप में। सिंहासन पर सुग्रीव के बैठने के बाद राम जी ने उसे सलाह दी कि देखो, अपने विश्वस्त मंत्रियों के साथ साथ जो बाली के विश्वस्त मंत्री हैं उन्हें भी, राज्य के शुभचिंतकों को भी और बुद्धिजीवियों को भी अपने मंत्रिमंडल में स्थान दो। सत्ता पक्ष में रहने का अर्थ यह नहीं होता कि सारे पदों पर अपने ही लोगों को बिठा दिया जाए। अच्छा यही होता है कि योग्य व्यक्तियों को उचित स्थान मिले, उचित पद मिले, जिससे राष्ट्र का उत्थान हो सके। राम का यह आदर्श हर देश, हर काल और हर मानव समाज के लिए बहुत उपयोगी है और आज की राजनीति में रामायण की यह सीख बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह सीख बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है आज की राजनीति में। सुग्रीव के राजा बनते ही जो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम होना था वो था सीता जी की खोज, लेकिन तभी वर्षा ऋतु आ गई तो राम जी ने ये निर्णय लिया कि चौमासे में ये सब कार्य स्थगित कर देना चाहिए। अब देखिए, उनके विचार जितने प्रासंगिक हैं उतने ही व्यावहारिक भी हैं, उतने ही वैज्ञानिक भी हैं। यातायात की कठिनाइयां तो बारिश के ऋतु में होती ही है, साथ ही साथ संक्रमण का भी खतरा होता है जिससे बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार रामायण के हर प्रसंग में कोई ना कोई सीख हमें मिलती ही मिलती है। वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद सुग्रीव का जो प्रथम कर्तव्य था वो था सीता जी की खोज करना, लेकिन सुग्रीव ने इसमें लापरवाही की। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ उसे समझाओ। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आ गया और वो कह उठे, मैं सुग्रीव का वध कर दूंगा। तब श्री राम ने उन्हें समझाया, लक्ष्मण इस समय हमारे मन में जो उद्वेग उत्पन्न हो रहा है वो हमारे अपने कार्य सिद्धि में हो रहे विलंब के कारण हमारी निराशा की हीन भावना मात्र है, इसलिए जाओ और परिस्थिति के अनुसार संयम से काम लेना। मतलब यह है कि जब कभी हमारा अपना सोचा हुआ और हम ये चाहते हैं कि ये काम हो जब वो नहीं होता है तो
क्रोध आना बुरा लगना स्वाभाविक होता है, लेकिन ऐसे में भी विवेक और संयम से काम लेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य हर बार वही है, हमेशा वही है कि रामायण से, रामायण के हर प्रसंग में, रामायण के हर चरित्र से हमें कुछ ना कुछ मिलना ही है। तो आइए हम इस अवसर को न खोए, कुछ ले लें अपने सुखी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए। जय श्री राम।